हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस क्लास क्लास टेंथ. दिस इज योर सब्जेक्ट साइंस एंड वी आर कंटिन्यूइंग आवर चैप्टर नंबर 13, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज योर वीडियो नंबर 60. इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न अबाउट द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड द फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन टू द मैग्नेटिक फील्ड. ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं इस क्लास में मैं इसे पढ़ाने वाला हूं. इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक मोटर. क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक मोटर. तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? पूरा ब्रीफली इस चैप्टर में मैं इसे एक्सप्लेन करने वाला हूं. इस टॉपिक में, इस क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं बच्चों इलेक्ट्रिक मोटर को. इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, किस तरीके से इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करती है, ठीक है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, ठीक है, क्या क्या इसमें कंस्ट्रक्शन होता है, क्या क्या चीज़ें मैंने इसमें आपको दिखाई हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको अच्छे से डिटेल में मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है बच्चों. एंड इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा कि ये आपका वर्किंग किस तरीके से वर्किंग होती है इलेक्ट्रिक मोटर की, ठीक है. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगर ये पॉइंट अगर आपका एग्जाम में आता है तो बच्चों 4 मार्क्स से 5 मार्क्स तक का ये कुछ टॉपिक आपका एग्जाम में आता है. तो इसीलिए मैं यहाँ पर इसे इंपॉर्टेंट आपके लिए डाल के मैं हम बता दे रहे हैं कि ये आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर बच्चों 2 मैग्नेट ली हैं. मैग्नेट के बीच में मैंने ए बी सी डी एक कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल को मैंने प्लेस किया है. इस कॉइल को मैंने बच्चों कनेक्ट किया है. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 पार्ट जो आपको सेमी सर्कुलर टाइप के जो पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं? इन पार्ट को हम कहते हैं बच्चों स्प्लिट रिंग्स. क्या कहते हैं बच्चों? स्प्लिट रिंग्स. ओके स्टूडेंट्स, एंड इन स्प्लिट रिंग्स के साथ में मैंने ये जो मैंने आपको ब्लू कलर में मैंने आपको दिखाया, इन्हें बोलते हैं बच्चों ब्रशेस. ओके स्टूडेंट्स, एंड ब्रशेस के बच्चों मैंने यहाँ पर नाम रख दिए हैं बच्चों, दिस इज योर ब्रश एक्स एंड दिस इज योर वाई. एंड स्प्लिट रिंग्स के भी हम नाम रख देते हैं बच्चों, ये आपकी स्प्लिट रिंग है यहाँ पर पी एंड ये है आपकी क्यू. एंड बीच में जो मैंने आपको एक रॉड टाइप का बच्चों आपको मैंने दिखा रखा है, इसको हम नाम दे देते हैं बच्चों यहाँ पर, ये होता है बच्चों हमारा एक्सेल, ठीक है बच्चों. तो ये एक्सेल, स्प्लिट रिंग, ब्रशेस, मैग्नेट मैंने आपके सामने दिखा रखे हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. इसके बीच में आपकी ए बी सी डी जो है वो रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है. एंड इसको कनेक्ट किया है बच्चों मैंने एक सर्किट से जिसमें एक बैटरी है. क्या है बच्चों? बैटरी एंड की मैंने आपको दिखाई है, ठीक है स्टूडेंट्स. इस क्लास में आप ये सीखेंगे इलेक्ट्रिक मोटर वर्क कैसे करती है. जैसे ही हम की को ऑन करते हैं तो करंट प्रोड्यूस हो जाता है जो रेक्टेंगुलर कॉइल से होते हुए आपका नेगेटिव टर्मिनल पर आता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है बच्चों. तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक मोटर को एक्सप्लेन करेंगे बच्चों. इलेक्ट्रिक मोटर, तो इलेक्ट्रिक मोटर हम बताएंगे बच्चों यहां पर, इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस डेट कन्वर्ट That convert electrical energy to mechanical energy, mechanical एनर्जी. तो बच्चों ये क्या क्या कैसी डिवाइस है? ये एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर आपकी जो मोटर है वो भी आपकी 2 टाइप्स की होती है. कौन सी होती है बच्चों? एक एसी मोटर और डीसी मोटर. मैं आपको यहाँ पर एसी मोटर के बारे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है. और डीसी मोटर और एसी मोटर में क्या होता है बच्चों, उसमें क्या डिफरेंस है, इसके बारे में मैं आपको आगे इस टॉपिक में मैं आपको समझाऊंगा. तो इसमें आप सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे, इट इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहां पर देखेंगे बच्चों इसका प्रिंसिपल क्या होता है, किस प्रिंसिपल पर इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करती है, ठीक है स्टूडेंट्स. तो यहां पर देखें सभी, व्हेन
व्हेन ए रेक्टेंगुलर कॉइल व्हेन ए रेक्टेंगुलर कॉइल रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स दैट रोटेट द कॉइल direction of force given by Fleming's left hand rule. ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, ठीक है बच्चों, जिसकी वजह से जो कॉइल है वो एक फोर्स को फील करती है और उसी फोर्स की वजह से जो कॉइल है वो रोटेट करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लेते हैं ये आपकी कॉइल है और ये इस तरीके से रोटेट करती है। बच्चों ये देखिए, ये इस तरीके से रोटेट करती है, ठीक है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल इसमें अप्लाई होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो कैसे करके अप्लाई होता है, किस तरीके से इसमें जो है ये चीज़ अप्लाई करती है, तो इसको हम सीखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले बच्चों हम आपको बताते हैं कंस्ट्रक्शन के बारे में कि इसमें आपका क्या होता है, कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हमने क्या क्या चीज़ें हमने ली हैं और इलेक्ट्रिक मोटर को हम कैसे बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपका टॉपिक आता है नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन। अब हम यहाँ पर सीखेंगे इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखें कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों आर्मेचर के बारे में। आर्मेचर क्या होता है, तो आर्मेचर बच्चों इट इज ए रेक्टेंगुलर कॉइल, इट इज ए रेक्टेंगुलर कॉइल, जैसे कि मैंने आपको यहां रेक्टेंगुलर कॉइल दिखाई है बच्चों, ए बी सी डी ये आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल है। इट इज ए रेक्टेंगुलर कॉइल विच इज सस्पेंडेड बिटवीन टू पोल्स ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर सबसे पहले हमने आर्मेचर कॉइल के बारे में आपको बताया, जो ए बी सी डी है, जिसको हम सस्पेंड करते हैं दो पोल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है स्टूडेंट्स, द सप्लाई ऑफ द कॉइल करंट टू द कॉइल इज कनेक्टेड विद स्प्लिट रिंग्स। जैसे कि आप देख रहे हैं सप्लाई ऑफ करंट मैंने स्प्लिट रिंग और ब्रशेस से मैंने कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड यहां पर आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों आपका स्प्लिट रिंग किस तरीके से वर्क करती है, इसमें देखेंगे बच्चों स्प्लिट रिंग क्या है और किस तरीके से वर्क करती है। स्प्लिट रिंग्स, इन्हें हम कम्यूटेटर भी बोलते हैं बच्चों। इट कंसिस्ट ऑफ
टू रिंग्स पी एंड क्यू, ठीक है बच्चों, इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस, किसको बता रहे हैं बच्चों, स्प्लिट रिंग्स को, इट इज ए डिवाइस विच रिवर्स, विच रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू ए सर्किट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका जो है ये स्प्लिट रिंग्स जो है वो एक ऐसी डिवाइस है जो रिवर्स ऑफ करंट को जो इस कॉइल के अंदर जो है ये करती हैं। किस तरीके से करती हैं बच्चों, ठीक है, इसमें हमें आपको वर्किंग में हमें आपको समझाऊंगा इसमें, ठीक है। स्प्लिट रिंग्स आपको यहाँ किस तरह की दिखाई हैं, इट इज टू हाफ, इट इज ऑफ टू हाफ ऑफ द सेम मेटलिक रिंग्स, मेटेलिक रिंग, यानी ये जो आपके जो टू हाफ है पी एंड क्यू, पी एंड क्यू जो मैंने आपको यहां पर दिखाए हैं, ठीक है, ये सेम मेटल के ही होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट करिए सभी। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों हम इसमें मैग्नेट, क्या लेते हैं बच्चों, मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज सप्लाइड बाय ए परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, ठीक है बच्चों, जिसमें मैंने आपको दो पोल दिखाए हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है, एन एंड एस, जो मैंने आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिखाए हैं उनके बारे में बच्चों मैंने आपको बताया है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे बच्चों यहां पर आपका नेक्स्ट पार्ट क्या था बच्चों, इसमें ब्रशेस, ब्रशेस क्या है, किस चीज के होते हैं ये ब्रशेस में देखेंगे बच्चों आप, दीज आर टू फ्लेक्सिबल मेटल प्लेट्स और कार्बन रॉड्स, टू कार्बन रॉड्स विच आर फिक्स्ड, विच आर फिक्स्ड, ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको इसमें दिखाया है एक्स और वाई, ठीक है बच्चों, ये आपके क्या है ब्रशेज हैं जो कार्बन जो है कार्बन रॉड्स होती हैं या फिर मेटल प्लेट्स की बनी होती हैं जो हमारी फिक्स होती हैं, एंड जो स्प्लिट रिंग्स हैं ये हमारी फिक्स नहीं है, ठीक है, इनसे हमारा जो स्प्लिट रिंग से कनेक्टेड होती है कॉइल, ठीक है बच्चों, जब ये आपकी स्प्लिट रिंग्स रोटेट करेंगी तो हमारी कॉइल भी रोटेट करेगी, ठीक है बच्चों। तो किस तरीके से करती है बच्चों इसमें हम यहाँ पर देखेंगे, लेकिन सबसे पहले अभी आपका जो कंस्ट्रक्शन में और क्या लिया था बच्चों, हमने लिया था बैटरी, बैटरी, तो बैटरी को यहां पर हम एक्सप्लेन करेंगे, दीज आर कंसिस्ट ऑफ फ्यू सेल्स, तो ये कुछ सेल्स से मिलकर जो है हमारी बैटरी बनी होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है बच्चों। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे बच्चों वर्किंग के बारे में कि हमारा जो वर्क जो मोटर है वो किस तरीके से वर्क करती है। वर्किंग, when
इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाइड टू द कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इट्स गेट डिफ्लेक्टेड बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई करते हैं कॉइल में, तो हमारी जो कॉइल है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है स्टूडेंट्स, एज इट रीचेज द हाफ वे, जैसे ही जो कॉइल है, जो इस तरह की कॉइल है वो हाफ वे तक पहुंचती है, जैसे आप देख रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, हाफ वे पे पहुंचती है, द स्प्लिट रिंग्स विच एक्ट एज कॉम्यूटेटर रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रिवर्सल द डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्सल द डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स acting on the coil। तो जैसे ही हमारी जो रिंग्स हैं वो रिवर्स होती हैं, तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी आपका रिवर्स होता है। जब डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स होगा तो फोर्स भी आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा ऑन द कॉइल पर। ठीक है बच्चों, द चेंज इन द फोर्स पुशेस द कॉइल, तो जिसकी वजह से वो कॉइल को पुश करती है, एंड इट मूव्स अनदर हाफ टर्न। इस तरीके से जो कॉइल है वो आपकी हाफ टर्न और रोटेट करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, दस द कॉइल कंप्लीट्स वन रोटेशन अराउंड द एक्सल कंटिन्यूएशन ऑफ दिस प्रोसेस कीप्स द मोटर इन रोटेशन। तो ये जो आपका रोटेशन जो है, कॉइल जो वन रोटेशन कंप्लीट करती है, और इस प्रोसेस का जो कंटिन्यूएशन है वो मोटर को रोटेट करता रहता है।
ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपकी क्या थी बच्चों, वर्किंग थी यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको हम बता रहे हैं बच्चों, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। इन कॉमर्शियल मोटर, इन कॉमर्शियल मोटर इलेक्ट्रोमैग्नेट इंस्टीड ऑफ परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट एंड आर्मेचर इज यूज्ड। ओके स्टूडेंट, और जो आर्मेचर होता है उसका मटेरियल कैसा होता है सभी बच्चे देखें यहां पर। आर्मेचर इज ए सॉफ्ट आयरन कोर विद लार्ज नंबर ऑफ कंडक्टिंग वायर टर्न ओवर इट। लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कंडक्टिंग वायर एनहेंसेस द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय आर्मेचर। ओके स्टूडेंट, जो लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हैं कंडक्टिंग वायर के, वो इन्हेंस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को जो प्रोड्यूस की जा रही है बाय द आर्मेचर। तो बच्चों आपने देखा है जैसे ही हम इसमें जब करंट को, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाई, जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई करते हैं कॉइल से, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर के, ये डिफ्लेक्ट कर देती है बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। जैसे ये हाफ वे पहुंचती है तो यहाँ पर स्प्लिट रिंग्स जो होते हैं ये कम्यूटेटर की तरह वर्क करते हैं, ठीक है, एक्ट एज कम्यूटेटर, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट के रिवर्स होने की वजह से फोर्स ऑन द कॉइल भी हमारा रिवर्स हो जाता है, और जो फोर्स है उसे हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो टर्न है, द चेंज इन द फोर्सेज ऑफ पुशेज द कॉइल एंड इट मूव द अनदर हाफ टर्न, और इस तरीके से जो आपका हाफ टर्न जो है वो आपका इस तरीके से रोटेट होता रहता है, दस द कॉइल कंप्लीट वन रोटेशन एंड दिस कंटिन्यूशन प्रोसेस कीप द मोटर इन रोटेशन। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो मोटर है वो आपकी रोटेट होती रहती है और इसी को हम बोलते हैं वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। ओके स्टूडेंट्स, कॉमर्शियल मोटर में इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल की जाती है परमानेंट मैग्नेट की जगह पर, ठीक है, एंड जो आर्मेचर है वो सॉफ्ट आयरन कोर का बना होता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ कंडक्टिंग वायर के टर्न इस पर होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स कंडक्टिंग वायर जो होते हैं वो इन्हेंस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को दैट प्रोड्यूसेस बाय द आर्मेचर। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार डायग्राम को और देखिए, यहाँ पर डायग्राम से और क्लियर हो जाएगा आपको। ये जो कॉइल है जैसे ही इसमें करंट प्रोड्यूस होता है बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही करंट के कॉन्टैक्ट में आती है, ठीक है, कॉइल आपकी कॉन्टैक्ट में आती है जिसमें आपका करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आप लगाएंगे, ठीक है। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में मैंने बच्चों आपको बताया था जो मिडिल फिंगर है वो आपका, जो मिडिल फिंगर है वो किधर रिप्रेजेंट करती है बच्चों, वो अगर आपके ऊपर की तरफ अगर करंट है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी स्ट्रेट है, ठीक है, जो फोर्स ऑन द कंडक्टर है वो इनवर्ट जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, एंड इस वाले से क्या जाएगा बच्चों, आउटवर्ड की तरफ आएगा, और ये कॉइल इस तरीके से, जो कॉइल आपकी ABCD है वो इस तरह से रोटेट हो जाती है। ये हाफ टर्न आ गया, फिर यहाँ पर ये जो आपके हाफ टर्न आने के बाद जो स्प्लिट रिंग्स हैं वो अपनी जगह को चेंज कर लेते हैं, ब्रशेस आपके फिक्स होते हैं बट स्प्लिट रिंग्स आपकी फिक्स नहीं होती है, ठीक है, स्प्लिट रिंग्स आर कनेक्टेड विद द कॉइल,
ठीक है बच्चों, जैसे ही स्प्लिटरिंग अपनी प्लेसेस को चेंज करती है, डायरेक्शन ऑफ जो करंट है इन द थ्रेड्स ऑफ सी डी एंड ए बी आपके चेंज हो जाते हैं और फिर फोर्स दोबारा से अपोजिट डायरेक्शन में लगता है और इस तरीके से आपकी जो कॉइल है वो रोटेट करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये था बच्चों आपका मैग्नेटिक जो वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, क्या था बच्चों, वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। अब हम देखेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक मोटर के यूजेस क्या हैं, तो सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बच्चों हम यहाँ पर यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, तो यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर क्या है बच्चों यहाँ पर देखें सभी स्टूडेंट्स। तो यूजेस में सबसे पहला पॉइंट हम बता सकते हैं कि जो भी आपके डेली बेसिस के यूज हैं जहां पर आप इलेक्ट्रिक मोटर को देखते हैं बच्चों उसे हम यहां पर लिख सकते हैं। तो हम यहां पर सबसे पहला पॉइंट हम आपको बताएंगे जनरल पॉइंट्स जो डेली बेस में है, इट इज यूज इन इलेक्ट्रिक फैंस, इट इज यूज इन इलेक्ट्रिक फैंस, नंबर सेकेंड इट इज यूज फॉर पंपिंग ऑफ वाटर, ओके स्टूडेंट्स, एंड इसमें बहुत सारे यूजेज ले सकते हैं। इट इज यूज्ड इन वेरियस टॉयज, ओके स्टूडेंट्स। चलिए बच्चों अभी हम यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस अब हम आपको बताते हैं इलेक्ट्रिक मोटर पे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर वन आपको दिखाया है, हाउ कैन द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर कॉइल, जो आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल थी ए बी सी डी, उसको हम किस तरीके से इलेक्ट्रिक मोटर में उसके रोटेशन को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम इसका सोल्यूशन देखेंगे बच्चों, सोल्यूशन में तो हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है, अगर द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप बढ़ाएंगे तो आपकी जो है यहाँ से जो आर्मेचर कॉइल है उस पर फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगा, जब फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगा तो स्पीड ऑफ रोटेशन भी इंक्रीज होगा। ओके स्टूडेंट्स, नंबर सेकंड पॉइंट आप देखेंगे यहां से, द करंट इन द कॉइल अगर हम कॉइल में करंट ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे बच्चों, ठीक है, तो आपका फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगा। ठीक है, अगर हम करंट को इंक्रीज करेंगे तो यहां से भी आपके जो है कौन सा फोर्स लग रहा है बच्चों, F = BIL sin θ। तो आप देख सकते हैं यहाँ से BIL मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, करंट को इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, ठीक है ना, तो अगर हम कॉइल के अंदर अगर नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करते हैं, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, ओके स्टूडेंट्स, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को भी अगर हम इंक्रीज करते हैं जो कॉइल में जो आर्मेचर कॉइल है, तो इस तरीके से भी हम रोटेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा यहां से बन सकता है क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्बन ब्रशेस इन एन इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर में जो कार्बन ब्रशेज जो मैंने आपको दिखाए थे अभी, ठीक है, इनका क्या रोल होता है, किस तरीके से इनका फंक्शन है, तो बच्चों इसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करके हम बता रहे हैं। देखें सभी स्टूडेंट्स, कार्बन ब्रशेज मेंटेन स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट विद स्प्लिट रिंग्स विच एक्ट एज कम्यूटेटर एंड
सप्लाई करंट फ्रॉम द बैटरी टू द आर्मेचर कॉइल तो बच्चों ये क्या है, कार्बन ब्रशेस हमारे फिक्स्ड होते हैं और ये स्लाइडिंग जो कॉन्टैक्ट जो बना रहता है इनका स्प्लिट रिंग्स के साथ में जो कम्यूटेटर की तरह वर्क करते हैं, जब हमारा जो कॉइल है जब हमारी रोटेट करती है स्लाइड जो स्प्लिट रिंग्स हैं जो रोटेट करती हैं उनमें जो करंट रिवर्स होता है ठीक है उसको मेंटेन कराने में हमारे ब्रशेस वर्क करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर बच्चों एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूँ ठीक है, जिस क्वेश्चन को आप जो है सॉल्व करेंगे अपनी कॉपी में इसे लिखेंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 जिसको हम आपको होमवर्क क्वेश्चन आपको दे रहे हैं ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को आपको नोट करना है अपने आप इसे सॉल्व करना है ठीक है। और जिस बच्चे को नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को एक बार और देख लें, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो आप हमसे पूछ सकते हैं। What is the role of split ring in an electric motor? तो बच्चों मैंने इसमें explain किया हुआ है कि इसका क्या role है, तो आपको ये find करना है कि split rings का क्या role होता है, तो ये बच्चों आपको find करना है ठीक है। बच्चों आज की क्लास में मैं आपको इतना ही पढ़ा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताऊंगा एंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में बताऊंगा बच्चों ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, सभी बच्चे इस चैप्टर को आप अपनी एनसीईआरटी की बुक से आप रीड करते रहिए ठीक है। बच्चों आज की क्लास में मैंने आपको कंप्लीट मोटर के बारे में मैंने आपको समझाया कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर किस तरीके से वर्क करती है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है इसका, इसके यूजेस क्या है, इसमें जो कॉइल है इसमें स्प्लिट रिंग्स हैं, इसमें जो ब्रशेस हैं इनकी वर्किंग के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें आप इस पॉइंट को आप अच्छे से लर्न करेंगे, ये इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर हो जाता है बच्चों ठीक है। सभी बच्चों को ये पॉइंट अच्छे से लर्न होना चाहिए, ध्यान रखेंगे सभी ठीक है। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, एनसीईआरटी से चैप्टर को पढ़िए, जो भी नोट्स मैं आपको करा रहा हूँ इन सारे नोट्स को आप अपनी कॉपी में नोट करिए और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में उन सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। सभी के क्वेश्चंस के जो एक्सप्लेनेशन है मैंने अपनी वीडियोज़ में कंटिन्यूसली मैं आपको दे रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।